नारंगी, नीला, गुलाबी। कभी कभी हमारे जीवन अलग अलग चमकीले रंगों से भरे होते हैं और कभी कभी यह जो हम खाते हैं उस पर भी लागू होता है। उस स्थिति का सामना करने पर आपको क्या करना चाहिए, यहाँ जाने। मुझे नाश्ते में कुछ तले हुए अंडे पसंद है, खास कर यदि वे उज्जवल नीले हों तो मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। बहुत ही स्वादिष्ट और पेट भी भर गया। मुझे लगता है कि मुझे भी कुछ खाना चाहिए। रुको, तुम इन चिप्स को नहीं खा सकती, ये बहुत ही पीले हैं। चलो तुम्हें कुछ गुलाबी रंग का देते हैं, जैसे ये गुलाब की पंखुड़ी की जेली। चिप्स और जैम? यह तो मुझे मन नहीं था, पर उतना भी बुरा नहीं है। मुझे भी भूख लगी है, ये लो एक नारंगी। मुझे वास्तव में उनसे थोड़ी एलर्जी है। छी, बहुत अधिक खट्टा है। क्या यह सच मुझे दिख रहा है या जैन खुद नारंगी रंग की हो गई है? तुम लोग बस हंसते रहो, मुझे अभी समझ आ गई कि मैं क्या खा सकती हूँ। एंडी की अंडे की जर्दी मेरे लिए एकदम सही रंग है और यह स्वादिष्ट भी है। अरे यहाँ क्या हुआ? मुझे नहीं पता। क्या शानदार सुबह है, मैं कपड़े पहनने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। वाह, इतने गुलाबी कपड़े, मैं तो स्वर्ग में हूँ। इतने सारे नीले कपड़े, बहुत बढ़िया। उफ, ये सब पहनने का किसे मन करता है। वाह, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। वाह एंडी, तुम भी बुरे नहीं लग रहे हो। यह मजदूर कौन है? ओह जैन, तुम लोग सही पहचान गई, यह मैं हूँ। अरे लड़कियों यहाँ देखो, एक्टिंग क्लास, यही मौका है मुझे मशहूर होने का। मैं अभी से खुद को मंच पर पुरस्कार लेते हुए देख सकती हूँ। मैं भी कुकिंग क्लास के लिए उतना ही उत्साहित हूँ, और मैं मुलायम तकिए और गर्म कंबल के लिए। जैन यह सब सोचना बंद करो, वह सोना और पढ़ना तुम्हारे लिए नहीं है। पर चिंता मत करो, तुम्हें अपने बास्केटबॉल कौशल को सुधारने का अवसर मिलेगा। ओ, इसके अलावा कुछ भी मुझे ये नहीं करना है, मैं ये अपने साथ ले जा रही हूँ। धन्यवाद। ठीक है, तुम दोनों को एक बर्गर बनाना होगा। मुझे दिखाओ कि तुम कितने काबिल हो। ध्यान रखना, मैं इसमें माहिर हूँ। तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो, मेरा बर्गर तो बहुत ही कमाल का है। यह देखो, इतनी जल्दी, बहुत बढ़िया। सूजी क्लासिक, बहुत प्यारा। और एंडी, वह क्या है? यह बर्गर नहीं हो सकता, यह सच में है। खा कर देखिए, यह वास्तव में अच्छा है। शायद बाद में, अभी तुम लोगों को पिज्जा बनाना है। यह मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। पिज्जा नीले रंग में, क्या बुरा सपना है ये। हाँ, इसे कोई भी खाना नहीं चाहेगा, और दूसरी तरफ मेरे तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। सूजी के लिए एक और जीत है, लेकिन ज्यादा खुश मत होना, हमारे पास एक और दौर है और इसमें मेरे लिए पास्ता बनाओगे। यह तो बहुत ही आसान है। तो कैसा लग रहा है? छी, तुम्हें यह सब नीली चीजें बंद करनी होंगी। और मेरे बारे में क्या कहना है? मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए और कुछ नहीं है, सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। लगता है मैं हार गया। खैर जो भी हो, कम से कम मुझे खाने को तो मिल गया। मैं विश्वास ही नहीं कर सकता कि वे नीले खाने के इतने खिलाफ क्यों हैं। क्या वह ऐसे अनोखे चीजों की जरा भी सराहना नहीं कर सकती? और यह सब तो इतना स्वादिष्ट भी है। तो बास्केटबॉल खेलना है, ठीक है, मैं तैयार हूँ। मुझे यकीन है कि मैं यह संभाल लूंगी। मैरी, मैं चलती हूँ, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। अरे मुझे दो, मैं पकड़ लूंगी। आह यार, चोट लग गई, मेरा सिर। लगता है कि अभ्यास अच्छा नहीं गया। तुम ऐसा मत कहो, यह सब तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे बास्केटबॉल खेलने के लिए बोला भी क्यों। यह क्या है, ब्लू चीज? इसकी बदबू तो भयानक है। मैं शर्त लगाता हूँ कि नीला सोडा इससे बेहतर होगा। और हाँ, मैं बिल्कुल सही था,
वह सब ठीक है, लेकिन मेरा चिकन तुम्हारे बदबूदार चीज से बेहतर है। क्या उसे ऐसा ही लगेगा अगर मैं उसके चिकन में तीखा सॉस लगा दूं? मुझे अब सच में यह नारंगी चुनौती बहुत अच्छी लग रही है। कितना अच्छा स्वाद है, मुझे यह बहुत पसंद है। रुको, तुम्हें यह सच में पसंद आया? हाँ, यह कमाल का है। मेरा भी दोपहर का भोजन बहुत अच्छा है, मैं इसे रोज खा सकती हूँ। शायद अगर मैं अपनी चीज पर डाल दूं तो इसका स्वाद भी सुधर जाएगा। अरे नहीं, यह तो और भी बुरा हो गया। क्या एंडी, क्या आप तुम्हें अपना रंग पसंद नहीं है? कभी जीत कभी हार, यही तो खेल है। समर्थन के लिए धन्यवाद दोस्तों। यह शो कितना मजेदार है, लेकिन मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। गुलाबी चॉकलेट सबसे अच्छा है। मैं थोड़ा पॉपकॉर्न ले लेती हूँ। मुझे इतनी खुजली क्यों हो रही है? ओ नारंगी, फिर से। आज ये मेरे साथ कितनी बार होगा, ये अच्छा नहीं है। तुम लोगों को देखकर मुझे भूख लग रही है। एक सेब, बहुत अच्छा। उफ, लेकिन ये हरा है, नीला नहीं। पर मुझे लगता है मैं ये ठीक कर सकता हूँ। वाह, ये थोड़ा अजीब तो है। आशा है कि अभी भी स्वादिष्ट होगा। उफ, बहुत प्यास लगी है। जैन, तुम्हें क्या हुआ? मैं भी तुमसे ये पूछने वाली थी। अपनी नाक को देखो। ऐसा नहीं हो सकता है, क्या बुरा सपना है? मैं एक गाजर या एक नारंगी पेड़ की तरह दिख रही हूँ। हमें कुछ करना होगा। क्या तुम लोग को मेरी जितनी ठंड लग रही है? मैं थरथराना बंद ही नहीं कर पा रहा हूँ और मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। हमें एक रंगीन एंटीडोट बनाना होगा और इन सबको रोकना होगा। चलो डालो। बिल्कुल सही, मुझे यकीन है कि इससे सब ठीक हो जाएगा। सबके पास स्ट्रॉ है? तैयार, चलो पीते हैं। यह काम कर गया, हम सब वापस पहले की तरह हो गए। मेरा कहना है कि हम थोड़ा कैंडी खाकर जश्न मनाते हैं। इतने सारे स्वादिष्ट रंग। अगर इस चुनौती को देखकर आपका दिन और मजेदार बन गया तो लाइक बटन दबाएं और कमेंट्स में अपने पसंदीदा रंग बताना ना भूलें। इसके बाद आप इन ब्लूपर्स का आनंद ले सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों।